नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी। और दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कालाडूंगी चौराहे के पास में। डॉक्टर टीडी रखोलिया जी बैठते हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, बहुत लोकप्रिय डॉक्टर रहे हैं पूरे पहाड़ में, आजीवन इन्होंने सेवाएँ दी हैं अपनी। तो आज हम टीडी रखोलिया जी के केबिन में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं कि इस बीच जो आँखों में एलर्जी लगातार हो रही है, वो एलर्जी की क्या वजहें हैं, क्यों हो रही है, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैडम, जो वैसे तो एलर्जी हर सीजन में किसी न किसी चीज से हो सकती है, लेकिन जो आजकल है बसंत ऋतु में, खास तौर से कुछ जो फूल खिलते हैं उनके पोलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है। जैसे देवदार के फूल हो गए, तमाम तरह के जो पोलन फूल होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो एलर्जिक होते हैं। तो आजकल खास तौर से बच्चों में वो ये एलर्जी पाई जाती है, आदमी में भी किसी किसी में, हालांकि बाद में एलर्जी नहीं होती है, बचपन में ज़्यादा ये एलर्जी होती है। इसलिए बच्चों को तो ज़्यादा होता है एलर्जी का। और इसमें क्या है कि बच्चे के आँख में खुजली लगती है, आँख से पानी आने लगता है, आँख में इरिटेशन होता है, आँखें लाल हो जाती हैं। और इतना कोई हार्मफुल तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर खुजाएगा तो उससे आँख में पेन होगा, दर्द होगा, कुछ लग सकती है आँख में। इस तरह से इसके बचाव तो ये है कि कम से कम जो डस्ट वस्ट ये धूल वूल से, वो धूल से बचाव करें। अब एटमॉस्फेयर में पोलन ग्रेन है, उनका तो कोई खास बचाव नहीं हो सकता। तो फिर अगर ज़्यादा होने पर डॉक्टर को अपने दिखाएं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ चलाते हैं हम, बल्कि इसको आजकल स्प्रिंग कटार या वर्नल क्रेटो कंजंक्टिवाइटिस नाम से भी जानते हैं। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में जो फल फूल जो खिलते हैं उनके पोलन ग्रेन से ज़्यादा होता है। तो बचाव अपना करें कि जैसे कर सकते हैं, बार बार साफ पानी से धो लें आँखों को। और किसी को अगर डस्ट या ऐसे पता चलता है कि जिससे मेरे को एलर्जी है वो उससे बचाव करे। बाकी अगर ज़्यादा होता है हमारे पास आते हैं तो हम उनको एंटी एलर्जिक दवा देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं जी। और किसी किसी को हर साल भी इस सीजन में ये होता है तो वो आके दिखा ले उस टाइम, अगर ज़्यादा होता है। और कम होता है तो अपने घर में ही, जैसे कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। जैसे जैसे बच्चे की बाद में इम्यूनिटी बढ़ती है तो वैसे उसके बाद वो नहीं होता। तो इम्यूनिटी से इसका सीधा नाता है? इम्यूनिटी से इसका संबंध है, किसी भी एलर्जी का इम्यूनिटी से संबंध है। जैसे इम्यूनिटी कम हो तो उसको ज़्यादा ये होने की संभावना है जी, जी। बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती इसलिए ज़्यादा ये इफेक्ट बच्चों में करता है। और धीरे धीरे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे वो कुछ उम्र बढ़ती है तो उसके बाद ये नहीं भी होता। किसी किसी को बसंत ऋतु में या फिर बाद में भी हो जाता है। तो जैसे उसको हो तो वो अपना घर में, ऐसा कोई घबराए नहीं, ऐसा कोई उससे नुकसान विशेष होता नहीं है। वो जैसे ये सीजन ख़त्म होगा उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। और ज़्यादा होने पर हमको दिखा है तो उसको एंटी एलर्जी को दवाएं चलाते हैं, ठीक हो जाता है जी। सर, ज़्यादा होना कब मानेंगे? जब ज़्यादा होने में कोने के चारों तरफ उसकी सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, खूब उसको खुजली लगती है, तो वो हमको दिखा ले उससे। क्योंकि कंजंक्टिवा के बाद कॉर्निया में भी उसका इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, इसीलिए इसको क्रेटो कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। तो मान लिया उसका कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो वो हमको दिखा, उसको हम ज़्यादा कहेंगे। तो उसके लिए कुछ और दवा फिर आप लिखेंगे? दवा एंटी एलर्जिक चलती हैं। अगर वीक स्टेरॉइड भी अगर जब बहुत ज़्यादा है तो उसमें वीक स्टेरॉइड चलाते हैं, नहीं तो एंटी एलर्जिक पर ही ठीक हो जाता है जी। जी जी सर, इस बीच कितने मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं इस तरह के? बिल्कुल, जब से ये गर्मी शुरू होती है तब से हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 मरीज रोज के एलर्जी के आते हैं। बल्कि माँ अपने बच्चों को लेके आती हैं आजकल, और हम उनसे इसलिए पूछते हैं तो लास्ट ईयर भी इन दोनों उनको हुआ रहता है जी। तो रिपीट वो लगातार हो रहा है। तो अभी कितना चलेगा सर ये सीजन, मतलब लगभग सीजन जब तक रहेगा? गर्मी पर डिपेंड करता है, 2-3 महीने चलता है ये। 3 महीने तक चलेगा। तो डॉक्टर साहब, इतना कीमती वक्त आपने बांटा, कोई संदेश हो और तमाम हल्द्वानी के लोग जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त पे? कुछ नहीं, सब लोग अच्छे रहे, मेरा सबको नमस्कार जी। बहुत शुक्रिया सर जी।